लक्ष्मी पूजा होगी और पूरे परिवार के साथ होगी, और ये मेरा फैसला है, बात खत्म। सुबह से दादी के नाक में दम कर खाए थे, चल दिवाली की पूजा के लिए शामिल हो जा। नहीं जाना है मुझे। मैं पूछ नहीं रही, तूने दादी का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। अब चल उठ, पहले जूते उतार। और तुम दोनों थाली पकड़ो और पूजा शुरू करो। तक तो बड़े एक्शन हीरो बने घूम रहे थे, इतनी जल्दी सारी एक्टिंग निकल गई। जल्दी से थाल पकड़ लीजिए, पता चले माँ जी की टाट के साथ एक चमार भी पड़े। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया है गुड्डन। तरीके खुद गलत अपनाते और गलत हमें ठहराते। इनके सही गलत के चक्कर में मेरा काम तो हो गया। दोनों के बीच दूरी का बीज तो मैंने बो दिया है, बस अब उस बीज को थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना है, फिर ये दोनों तो खुद ही एक दूसरे से दूर भागते फिरेंगे। मुझे थप्पड़ मार के ये गुड्डन हैप्पी दिवाली मना रही है। अब देखना गुड्डन, तुम्हारे फोन उठाते ही ये बदली हुई बैटरी क्या धमाका करती है, और कैसे ये खुशियों भरी दिवाली तुम्हें खून के आंसू रुलाती है। तेरी मोती जैसी बहू, ले मोती चूर के लड्डू खा, मैंने सिर्फ तेरे लिए बनाए हैं, तुझे पसंद है ना, खा और बता कैसे हैं। आप बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे, बहुत अच्छी लगती है। बेटा आज जो पूरे परिवार ने एकजुट होकर जो दिवाली मनाई है ना, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं। और वैसे भी एक इंसान के पास उससे परिवार से बड़ी दौलत कौन सी होती है, आपने ही सिखाया ना। एक परिवार को हमेशा साथ में एक मुट्ठी की तरह रहना चाहिए, और वो मिठास और बढ़ जाती है जब परिवार की मुट्ठी कभी ना खुले, है ना। बात तो आप सही कह रही है लक्ष्मी जी, पर मां जी हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो मुट्ठी भर मिठास की बातें कर रही है ना, इनका इशारा ये मुट्ठी भर लड्डुओं से है। हाँ सासू माँ, एक ही मिलेगा, चुपचाप एक उठा लीजिए। एक पर माँ जी को एक और मिलेगा। खिला दे खिला दे, लल्ला ना आ जाए जल्दी से। लीजिए। पता है माँ जी, जो भी कुछ हुआ है ना, सब आपकी वजह से हुआ।
हम जो भी कुछ कर पाए इसलिए कर पाए हैं क्योंकि ये सब आपने हमें सिखाया, आपने ही सिखाया माँ जी हमें कि किस तरीके से परिवार को एक साथ लेकर चला जाए। अरे, अरे! अरे! इतने चुटकू से पटाखे से डर गए तुम लोग? क्या कर रही हो अनीशा? अरे पटाखे भले चुटकू से, लेकिन तुम्हारी बदमाशियां बहुत बढ़ गई हैं। सुधरोगे नहीं ना? तो कान छोड़ो मेरा गुड्डन। अच्छा, कान छोड़े तुम्हारा? कान छोड़े? पहले पिंकी प्रॉमिस करो, करोगे दोबारा ये हरकत नहीं करोगी? दर्द हो रहा है मुझे, कान छोड़ो मेरा। पहले प्रॉमिस करो कि दोबारा घर में पटाखा नहीं जलाओगी। चलो अरे ठीक है, प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस? पूरा हाथ पकड़ो। अरे आई प्रॉमिस कि अब मैं घर में पटाखे नहीं चलाऊंगी, ठीक है? अब खुश, अब छोड़ो, कान छोड़ो। मैंने एक बात तुम याद रख कि अगर मां जी को दोबारा से गुस्सा आया ना, तो एक कान वान तो छोटी चीज है, एक चमाट पड़ेगा तुमको अच्छे से। बड़े चमाट से डर नहीं लगता है मुझे, तुम्हारे ज्ञान से डर लगता है जो तुम हर वक्त देती रहती हो। आज तो गुड्डन तूने कमाल ही कर दिया। ऐसे ही अगर उसके कान खींचती रही ना, तो देखना एक दिन जरूर सुधर जाएगी। सासू माँ आपने तो कान खींचे, दुर्गति यहाँ होती ना तो एक थप्पड़ मारती इसकी इस बदतमीजी के लिए। कोई बात नहीं लक्ष्मी जी, सब ठीक हो जाएगा। और आपको पता है आजकल तो हमें डर लगने लगा, इसको सुधारना ना इतना आसान नहीं होने वाला है। ये कान वान खींचना कभी कभार ठीक है, और वो भी सलीके से, वरना हम जानते हैं कि बात और बिगड़ने वाली है। लेकिन सासू माँ, बिगड़ी हुई बात को बनाना आपसे बेहतर और कौन जानता है? अब देखता हूँ गुड्डन, मेरे बनाए हुए प्लान को बिगाड़ना तुमसे हो पाता है या नहीं। पूरे दिन फोन को कान पर रख के चटर 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 करती रहती हो ना, अब ना फोन रहेगा और ना तुम्हारे सॉफ्ट सॉफ्ट से कान। अच्छा बाहर से ले, चलिए 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 चलिए। अब आएगा दिवाली का असली मजा। मेरा फोन उठाते ही गुड्डन के मुंह से पहला शब्द हेलो नहीं बल्कि हेल्प 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 ऐसा निकलेगा। पिकअप 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 पिकअप। गुड्डन फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे कुछ करना पड़ेगा। और पर जो भी हो गुड्डन, इस बार दिवाली धमाका तो मैं तुम्हारे फोन से ही करवाऊंगा, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये बर्फ का वादा है। मुझे लगता है ये एजे का काम है। गुड्डन सासुमा को मनाने के लिए एजे ने ही ये किया होगा। वो जानते हैं ना, गुड्डन सासुमा को ऐसे रंग बिरंगे गुब्बारे बहुत अच्छे लगते हैं। ये इतने सारे गुब्बारे एक साथ यहाँ हॉल में क्या कर रहे हैं? चल क्या रहे? आपने, हमें तो लगा कि आपने किया। ये सब तामझाम हमने किया जिंदर साहब, अलीशा के लिए। अलीशा के लिए? आज कोई खास दिन है क्या? अलीशा, तुम्हें ये धूम धड़ाका बहुत पसंद है ना, और ये गुब्बारे फोड़ना, इसलिए ना हमने तुम्हारे लिए एकदम पॉल्यूशन फ्री जुगाड़ कर दिया। अब देखो घर के अंदर हम ये पटाखे तो जला नहीं सकते हैं, जो हरकत तुमने कल की थी, तो इसलिए हमने तुम्हारे लिए गुब्बारे लगवा दिए। अब तुम इन्हें मस्त गुब्बारे फोड़ो और अपनी दिवाली मनाओ। ये डिस्को गुब्बारे लाई हो तुम? पटाखे पटाखे होते हो गुड्डन, इनमें वो दम नहीं है। अच्छा जी, तो दम तो पूरा है। आइए कह लो तुम्हारा मूड पूरा नहीं है। ये बहुत ही घटिया और बोरिंग आइडिया है, समझी तुम? वही, मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। जी भी। You guys continue, I'll join you soon. सही कह रहा। तुम ना अपने से पकाऊ से गेम ना रसोईया के साथ ही खेला करो।
उनके साथ रहते रहते तुम भी और बोरिंग सी होती जा रही हो, तभी तुम्हारे दिमाग में ऐसे आइडियाज आते हैं। ये गुड्डन फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे बेवकूफ, जब उसके हाथ में फोन होगा तब ना उठाएगी। पर उसका फोन है कहाँ पे? बता रही, वो देखो वहाँ टेबल पे रखा है उसका फोन। और अगली बार ना ऐसा घटिया प्लान बनाने से पहले एक बार पूछ लेना मुझसे। क्यों, मेरे प्लान में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तुम्हारे प्लान में नहीं है, प्रॉब्लम ना परमिशन ना लेने की आदत में है। अगर वो उस समय मैं बैटरी चेंज करते हुए ना देखती तुम तो बताते नहीं मुझे। एक मिनट, परमिशन, तुम कोई बॉस नहीं हो मेरी? हाँ, मैं कोई बॉस नहीं हूँ तुम्हारी, तो भगवान हूँ तुम्हारे लिए। बर्फ, मैं चाहूँ ना तो तुमको वापस जेल भिजवा सकती हूँ, तुम्हारी जिंदगी की पूरी काया पलट कर सकती हूँ, समझे तुम? क्या अब ये घूरना बंद करो और इंतजार करो कि गुड्डन जल्द से जल्द अपना फोन उठा ले, क्योंकि इस दिवाली एक बड़ा धमाका होना तो बनता है बॉस। ओ सॉरी, वो तो मैं। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम डर गई, कि तुम हमसे ज्यादा गुब्बारे नहीं फोड़ पाओगी? डर, वो भी तुमसे। शक्ल देखिए अपनी। बात ऐसी है गुड्डन की, जो तुम्हारा गेम है ना ये बहुत ही बोरिंग है, और मुझे बोरिंग गेम और बोरिंग लोग ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मतलब डर गए? माँ जी, अब देखिए ना, अलीशा को तो ये गेम बोरिंग लगता है, आप हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे क्या? ये पटाखे मतलब गुब्बारे फोड़ने वाला। हाँ, पर आपको फिर हमसे ज्यादा गुब्बारे फोड़ने पड़ेंगे हमारे से जीतने के लिए। बताइए। बताऊ? एक मिनट, पीछे हट जा जरा। दादी, हड्डियां चाहे कमजोर हो गई हैं, लेकिन हौसला बहुत बुलंद है। मुझे तेरा चैलेंज कबूल है। अरे वाह माँ जी, आपको देख के तो ना हम बहुएं शर्मा जाएं। अरे 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 सासुमा, आप ना अपनी बात कीजिए। वैसे भी दादी और आपसे कहीं ज्यादा गुब्बारे तो दुर्गा दी और मैं फोड़ सकते हैं। ओहो, शुरू करें? अरे एक मिनट, एक बार अलीशा को पूछ तो लीजिए ना, अब क्या पता उसका मन हो। अरे दुर्गा जी छोड़िए ना, आजकल के बच्चों को कहाँ ये सब गेम्स में इंटरेस्ट है ना अलीशा, इनको तो बस वो कंप्यूटर के डिब्बे के आगे बिठा दो या फिर फोन में टिक 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 टिक, हम लोग खेलते ना। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 गो। सॉरी, तुम्हें तो पसंद नहीं है ना? पसंद है मुझे, तुम्हारे साथ खेलने का मूड नहीं है। कितने बहाने बना रही हो ना तुम, सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देती हो? कि तुमको डर लग रहा है? बोलो अलीशा, क्या मंजूर है तुम्हें गुड्डन का चैलेंज? अब देखो और सीखो। रे माँ जी, दुर्गा जी और लक्ष्मी जी को रोकना होगा, वरना अलीशा को इस खेल के बहाने परिवार के बीच लगाए रखने का हमारा प्लान तो फेल। देखा, कर दिया ना खुश आपकी बेटी को। I think you mean हमारी बेटी को। जी। अब बोलो गुड्डन, सुनाई दे रहा है ना अलीशा की जीत का शोर? हाँ गुड्डन, देखा मेरी पोती ने सारे के सारे गुब्बारे फोड़ कर मैदान साफ कर दिया। और एक बात बताऊं, अब मेरी पोती से जीतना गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। अच्छा जी,
पर माँ जी आपको पता है ये जो गेम है ना ये बेस्ट ऑफ थ्री है। हाँ माना, मतलब पहली बाजी में अलीशा जीत गई लेकिन अभी दो राउंड तो बाकी है ना। बाकी के दोनों राउंड में ना कैसे गुड्डन अलीशा को दिवाली धमाका दिखाती है और पूरा मजा चखाती है। अलीशा अब राउंड टू में आने के लिए तैयार हो ना। वन टू थ्री गो। गुड्डन का फोन? इस गुड्डन से अपना फोन तक तो संभलता नहीं है, यहाँ वहां छोड़ देती है। बढ़िया ही चैलेंज जीतने वाली। अब फाइनली गुड्डन के हाथ में फोन जाएगा और मैं फोन करूंगा ताकि ये धमाका हो सके। लीशा ये गुड्डन का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? लाओ दो यहाँ पर। तो चोरी थोड़ी कर रही थी, उसको देने ही जा रही थी, वहां पड़ा हुआ था। सब अपने क्या बोल दिया, सब क्यों चले गए? वो कुछ नहीं कहा है गुड्डन, रिलैक्स। तो फिर चले क्यों गए वो? एक्चुअली अलीशा रुको, कहाँ जा रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? इतनी अच्छी गेम चल रही थी, बीच में से छोड़ के क्यों जा रही हो? मुझे नहीं खेलना तुम्हारा ये बकवास गेम। अलीशा हमारी बात ना, नहीं खेलना समझ में नहीं आता तुम्हें एक बार में? सही समय जल्दी फोन लगा गुड्डन। हां लगा रहा हूं, उसका नंबर स्पीड डायल में थोड़ी ना सेट जाएगा। तुम्हारे पास है तो इतने सारे प्लेयर्स, रसोईया तुम्हारी बहू है, खेलो जाके, मेरा पीछा छोड़ो, समझी? गुड्डन रिलैक्स, तुमने कोशिश की और अलीशा ने एंजॉय किया, आई थिंक दैट्स गुड इनफ। थोड़ी देर दो, अपने आप ठीक हो जाएगी, लेट्स गिव हर सम स्पेस। उठा 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 उठा। बाद में भी हो सकती है ना, गुड्डन को अभी फर्स्ट एड की जरूरत है। किशोर हरी अप, गुड्डन तुम ठीक है ना? तू बहुत दर्द हो रहा है, पर आपकी तकलीफ देख के ये चोट से नहीं। मैं नहीं लगता गुड्डन कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बातें बनाने लगी हो। हाँ और बहुत ज्यादा ना गलतियां भी करने लगे, तो भी देखिए ना कैसे कैसे एक्सीडेंट्स के शिकार होते जा रहे हैं। एक्सीडेंट? हाँ मतलब वो हमने ही कुछ गलती की होगी ना, गलत चार्ज वार्ज पे लगा दिया होगा फोन को। सासू मां मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आपका फोन इतना महंगा है वो फट कैसे सकता है? एग्जैक्टली एक अच्छा खासा फोन ऐसे कैसे फट सकता है? पर रोज सुनते हैं ना हम, कितना तो अखबारों में पढ़ते हैं, रोज ही कोई ना कोई फोन फट जाता है। हमने तो कितनी बार सुना है जनरल सब सोते सोते ना कान के पास फोन फट जाता है। हम तो बाप रे फिर भी सस्ते में छूट गए। बहुत ही वाहियात बहाना बना रही हो तुम गुड्डन। लोगों के फोन फटते होंगे लेकिन ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, एंड यू नो इट। किसी ने जानबूझकर तुम्हारे फोन के साथ छेड़छाड़ करी ताकि वो इस तरह फटे।
और ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है। कैसी बातें कर रहे हैं आप, कुछ भी हमारे साथ भी ऐसा क्यों करेगा चंदन साहब? जब उस अपराधी को मैं उसके किए की सजा दूंगा ना गुड्डन, तब तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये घटिया हरकत किसने की है।